नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा, स्वागत है आपका युद्ध घोष में। दिल्ली के करावल नगर में हिंसा का आरोप आप पार्षद ताहिर हुसैन पर लगा तो राजनीतिक बखेड़ा खड़ा होते देर नहीं लगी। हिंसा की आग में झुलसी दिल्ली अभी अपने जख्मों पर मरहम लगा ही रही थी कि इससे पहले एक और चोट सत्ताधारी पार्टी की तरफ से लग गई। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को उठाने में देरी नहीं की। बीजेपी ने जमकर आम आदमी पार्टी को कोसा और इसी बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर आपका कोई भी नेता कार्यकर्ता आरोपी पाया जाए तो उसे दोगुनी सजा दी जानी चाहिए। आप पार्षद ताहिर हुसैन के घर से पत्थरबाजी, पेट्रोल बम फेंकने और छत पर मौजूद दर्जनों उपद्रवियों की तस्वीर वायरल हुई तो बवाल मच गया। शुरू में आप नेता ने आरोपों से इनकार करते हुए खुद को प्रताड़ित साबित करने की कोशिश की, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के युवा अफसर अंकित शर्मा के पिता की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। मर्डर के आरोप में आईपीसी की धारा 302, 201 और 365 के तहत जो है केस दर्ज किया गया है। वायरल वीडियो में उपद्रवियों के साथ दिखने वाले ताहिर हुसैन की पहले फैक्ट्री भी सील हुई है और सबूत के तौर पर इमारत की हर मंजिल से तबाही, बर्बादी और बवाल मचाने का पूरा जखीरा भी हाथ लगा है। वहीं पेट्रोल बम, कहीं पर पत्थर के टुकड़े, कहीं पर तेजाब के पाउच, तो कहीं पर पत्थर को बरसाने के लिए गुलेल छत से बरामद हुए हैं। वहीं दिल्ली हिंसा के तार आप पार्षद ताहिर हुसैन से जुड़ता देख पार्टी ने भी ताहिर को बाहर का रास्ता दिखाने में देरी नहीं की है। आरोपों के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन की प्राथमिक सदस्यता जांच पूरी होने तक खत्म कर दी है। सीएम अरविंद केजरीवाल को यह भी कहना पड़ा है कि अगर मेरी पार्टी का नेता दोषी पाया जाए तो उसे दोगुनी सजा दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। क्या कुछ कहा है ताहिर हुसैन ने और उसके बाद संजय सिंह क्या बोल रहे हैं और केजरीवाल जी ने क्या कुछ बोला है, पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा पे आते हैं। कल किसी समुदाय, किसी जाति, किसी धर्म के व्यक्ति के द्वारा अगर किसी तरह का दंगा भड़काने का प्रयास किया गया उस पर कार्रवाई कीजिए। जहां तक ताहिर हुसैन का प्रश्न है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया, उसको सुन लीजिए। लगातार जब उनके घर के अंदर भीड़ घुसी, उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सूचना दी है, 100 नंबर पे कॉल किया है, एक एक चीज की मीडिया को जानकारी दी कि किस तरीके से उनके घर के अंदर मॉब घुसी, और उन्होंने लगातार अपने को बचाने के लिए पुलिस वालों से मदद मांगी। 8 घंटे बाद पुलिस की मदद वहां पर पहुंची और पुलिस ने उनको वहां से निकाला। ये पूरा स्टेटमेंट है। इसके बावजूद आप जांच कीजिए, कहीं कोई दोषी मिलता है उस पर कार्रवाई कीजिए। किसने हाथ पकड़ रखा है? मेरे पास पुलिस नहीं है, अगर पुलिस होती तो हम भी सख्त एक्शन लेते। मेरा अपना ये मानना है कि देश की सुरक्षा को लेके और जो इस तरह के दंगे होते हैं, मैं ये सुबह से देख रहा हूं, इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का है कोई, या बीजेपी का है, या कोई कांग्रेस का है, जिन जिन लोगों ने दंगों को उकसाने की कोशिश की, जिन जिन लोगों ने दंगे करवाए, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे मंत्रिमंडल में कोई है, किसी को नहीं छोड़ना है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लो, उठा के जेल में डालो। जो भी दोषी हैं, उनके वाले दोषी हैं उनको डालो, हमारे वाले दोषी हैं डबल सजा दो उनको, किसी को बख्शो मत। राजनीति करना बंद करो देश की सुरक्षा के साथ। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आग लगी हुई है। लगभग 1:30 बजे से यहाँ दंगा ही दंगा सड़कों पर कर रहे हैं और लगातार पुलिस को कॉल करने के बाद भी, 100 नंबर पर कॉल करने के बाद भी, तमाम SHO साहब को थाने में संपर्क करने के बाद भी अभी तक यहाँ कोई पुलिस फोर्स नहीं पहुंची है। कई घंटों से यहाँ दंगा ही अपना आतंक मचा रहे हैं और मेरे जो नीचे मेरा मेन गेट है, जो फाटक है मेन गेट का, उस गेट को तोड़ के भी जबरदस्ती अंदर घुस के लोग छत पर चढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। मेरी अपील है इस वीडियो के माध्यम से कि तुरंत यहाँ पुलिस फोर्स को भेजा जाए और इस दंगे को कंट्रोल किया जाए। स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही है और अब तो हालात ये बन चुके हैं कि आपस में दोनों तरफ से फायरिंग भी स्टार्ट हो गई है, जान माल का हड़ताल का खतरा हो रहा है। पुलिस को तुरंत इस पे कंट्रोल करना चाहिए। जो भी खबर मेरे बारे में चलाई जा रही है, दिखाई जा रही है, वो सरासर गलत है।
ये गंदी राजनीति के चलते मुझे बदनाम किया जा रहा है, मुझे घसीटा जा रहा है। जब से कपिल मिश्रा ने भड़काऊ भाषण दिया है तब से ही दिल्ली के हालात खराब हैं, जहां पे जगह जगह पत्थरबाजी, ये तमाम चीजें की घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। वैसा ही परसों हमारे यहाँ भी हुआ, जिसको देखते हुए हमने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। एक बहुत सारी भीड़ मेरे जो ऑफिस का गेट है उसे तोड़ के जबरदस्ती अंदर छत पे चढ़ गई थी, जिसके लिए लगातार मैंने पुलिस से मदद मांगी और कई घंटों के बाद यहाँ पर फोर्स पुलिस फोर्स पहुंची, सब काबू हुआ। और उस वक्त जो यहाँ पे पुलिस अधिकारी मौजूद थे उनकी निगरानी में पूरे मकान की, पूरी बिल्डिंग की, पूरे ऑफिस की तलाशी ली गई, उसको अच्छे से चेक किया गया। और उस पुलिस ने ही हमें, मेरे परिवार के साथ, हमें यहाँ से सुरक्षित बाहर भेज दिया गया था। हमसे कह दिया था कि आप यहाँ से अपने किसी सेफ जगह हट जाइए, क्योंकि यहाँ बिल्डिंग पे दोनों तरफ से कोई भी आदमी इस पे दोबारा से खतरा या बवाल ना हो सके, अपनी जान आप सेफ कीजिए। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। चंद्रमोहन चौबे जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, मुकेश यादव जी आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, साथ ही सुधीर शर्मा जी पूर्व पुलिस अधिकारी भी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। मुकेश यादव जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। ताहिर हुसैन गायब है, अपनी सफाई दे दी, पहले पुलिस पे आरोप लगाया, हमने अभी बाइट सुनी कि पुलिस वहां पर नहीं पहुंच रही है, हालात बेकाबू हो रहे हैं, उसके बाद सफाई आती है, एक और वीडियो उनका सामने आता है और उसके बाद वो लापता है। 48 घंटे FIR के हो गए, पुलिस को अभी उनकी तलाश है, कहां पर छिपे बैठे हैं किसी को कुछ नहीं पता। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अगर आरोप है उनके ऊपर और वो सिद्ध हो जाते हैं तो उन्हें डबल सजा दे देनी चाहिए। देखिए, हमारे नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी ने इस बात को पूरे जिम्मेदारी के साथ कहा है, जो लोग भी दंगे के दोषी हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, किसी भी दल के हों, यदि हमारी पार्टी के हों तो उनको डबल सजा मिलनी चाहिए। समस्या यह है कि कानून अपना काम क्यों नहीं कर रहा। यदि FIR दर्ज हुई है तो ताहिर हुसैन को अरेस्ट किया जाए। मैं भी कहता हूं यदि FIR लॉज हुई है तो ताहिर हुसैन कहां है, पुलिस क्यों नहीं ढूंढ पा रही है। और जो लोग उनके अलावा और भी लोग हैं जो भी दंगे में हैं, यदि कानूनी प्रक्रिया के तहत उनके ऊपर जब दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने जो है वीडियो देखने की बात कही, वीडियो देखने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस अब तक FIR क्यों नहीं लॉन्च की, ये क्वेश्चन है। तो जितने लोग, मेरे कहने का मतलब है कि इस दिल्ली की में जो दंगा हुआ है, इस पर राजनीति न होकर के सारी पार्टियां, उनके खिलाफ जो लोग दंगे में शामिल हैं उनको कैसे अरेस्ट किया जाए, गिरफ्तार करके कानूनी प्रक्रिया में शामिल किया। पार्टी में कैसे लोगों को भर्ती कर लिया है, क्या भर्ती करते समय देखते नहीं है क्या? देखिए पार्टी का ऊपर से क्या क्या मिला है, तस्वीरें हम लगातार देखिए पार्टी के साथ जो ताहिर हुसैन का जो नाम ले रहे हैं आप, जो ताहिर हुसैन का एक पिछली वीडियो है जिसमें उन्होंने जो शिव भक्तों को कुछ जो फल बांटते हुए दिखाया गया, तो क्या उस समय, देखिए अभी उनके ऊपर FIR दर्ज हुई, ना कि वो दोषी हो गए। कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया में FIR दर्ज हुई है, बेल मिलेगी, चार्जशीट दाखिल होगी, ट्रायल होगा, उसके बाद हर व्यक्ति पक्ष विपक्ष दोनों को मौका दिया जाता है अपने डिफेंस में कुछ कहने के लिए। 15 साल तो रहेंगे सब लोग, दिल्ली में क्या हुआ था, अपने डिफेंस में कुछ कहने के लिए मौका दिया जाएगा कानून से, किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है। बैठ गए हैं आपकी पार्टी के नेता है ना, उनसे कांटेक्ट नहीं है क्या आपका, बाहर क्यों नहीं कह रहे हैं आइए बाहर, अगर आप बेकसूर क्यों घूम रहे हैं। देखिए वहाँ किस तरह की हालात है, कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं, आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं, जब वहाँ की स्थिति जो दंगे, मतलब दंगे कभी भी भड़क सकते हैं वहां पर, ऐसी स्थिति थी। अब थोड़ा सा कुछ जो शांति हुई है, कर्फ्यू लगा है, सेना मार्च की है, तो अब थोड़ा सा स्थिति सामान्य हुई है, हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी सामान्य हो जाएगी। लेकिन जब FIR दर्ज हो गई है तो वो भी जो है अपना जो कानूनी जो भी उनको राइट्स मिलेंगे उसके तहत जो अपना बेल पर जाएंगे या तो सामने तो निकल कर आए, कौन से बेल में घुस गए जाके। देखिए जैसी परिस्थिति है उनके सामने, कौन सी परिस्थिति है वो तो वही बता सकते हैं ना, कि वो जो कहां है, किस हालत में है। आपकी पार्टी में तो मैंने सोचा कि आपसे जानकारी ले लूं, आपको पता होगा, आपको सबसे बड़ी बात है कानूनी कानूनी प्रक्रिया के तहत जो दंगे में कितने लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया, इस पर भी क्वेश्चन उठना चाहिए कि आज तक, मतलब 3-4 दिन दंगा चला, 3-4 दिन के दंगे में सिर्फ अभी 150 लोगों को ही गिरफ्तार किया जा सका, और कितने लोग शामिल हैं, सबको कर लें गिरफ्तार, पूरा पूरा मोहल्ला उठा ले जाएं क्या, सब जो लोग भाई इतने बड़े लेवल पर दंगा हुआ है क्या, तो उठाएंगे इतने लेवल पर 10-12 जगह पर दंगा हुआ है, FIR दर्ज की गई है 10-12 जगह पर दंगा हुआ है, पुलिस जिसके खिलाफ जो है, यह जो दिल्ली हाईकोर्ट के जज जो है जिसके खिलाफ ये FIR लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, उन्हीं का जो है जज का ट्रांसफर हो जाता है,
ये भी एक सोचने वाली बात है। कानूनी छोड़िए, वो एक कानूनी प्रक्रिया को समझिए। ट्रांसफर हुआ, देखिए कानूनी पर रात को 1:30 बजे कौन सी देश में इमरजेंसी लग गई कि उसके दो लोगों का और हुआ है, कुल मिला के 3 लोगों का हुआ है। कोलेजियम सिस्टम रात को 1:30 बजे ट्रांसफर होता है, ये मतलब क्वेश्चन ये उठता रात को 1:30 बजे आईएएस अधिकारियों के भी रातों रात ट्रांसफर इधर उधर किए जाते हैं। उसके उनके उन्होंने जो ऑर्डर किया दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने, उस पर जो है कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये भी तो क्वेश्चन है। चंद्रमोहन चौबे जी, आपकी पुलिस कितनी सशक्त है, जो हम कहते हैं कि पुलिस हमारी बहुत आगे बढ़ चुकी है, हमने पुलिस को और स्मार्ट बनाने की कोशिश की है, आपकी पुलिस इतनी स्मार्ट है कि कोई जिस पे एफआईआर दर्ज की गई है उसको 48 घंटे से ढूंढ नहीं पा रहे हैं, 48 घंटे से ज्यादा हो गया एफआईआर दर्ज हुए, नहीं आपकी सशक्त पुलिस कहाँ है? जी जी, सशक्त पुलिस बिल्कुल। देखिए सशक्त पुलिस की जब आप बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप उस पर कटाक्ष कर रहे हैं। कटाक्ष शब्द हम इसलिए कह रहे हैं कि आप ही जैसे मीडिया बंधु, हम आपका नाम नहीं ले रहे कि आपने कहा, आप ही जैसे मीडिया बंधु, बुद्धिजीवी वर्ग, यही तमाम विरोधी दल के नेता जब जामिया में और जेएनयू में आतंकवादियों को जो आतंकवादी जो बम कट्टा और बंदूक चला रहे थे उनको गिरफ्तार करने जब पहुंची या गिरफ्तार उनको करी कुछ लोगों को, कितने लोगों को सिद्ध कर दिया आपने मुझे? अरे कैसे फाइल तो दबा इन्होंने रखी है, कन्हैया कुमार वाली फाइल अभी तक इन्होंने नहीं दी, और कन्हैया छोड़िए मीडिया के ऊपर अभी तक फाइल दबाए पड़े थे, मीडिया जी की मां कह रही है केजरीवाल ने फाइल अभी तक नहीं, कुमार के अलावा कितने कानूनी प्रक्रिया भाई। और रही बात आफरीन फातिमा कहाँ है बताएंगे जरा? नहीं नहीं बिल्कुल सुनिए, चिंता मत करिए, ये ना चिंता क्यों करेंगे, चिंता आपको करनी है, सुन लीजिए, सत्ता आपको बचानी है। आतंकवादी, वो आतंकवादी है कौन? ताहिर हुसैन। देखिए कैसे उसने कहा, जो कैसे उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, अरे वाह, तुम्हारे घर में पेट्रोल बम आ गया, देसी बम आ गया, हथियार इकट्ठा हो गया, पत्थर आ गया, और तुम मासूम बन रहे हो, वीडियो में तुम्हारा दिख रहा है, तुम रॉड लेके नाच रहे हो, चारों तरफ देख रहे हो, लोगों को उकसा रहे हो, वीडियो में साफ दिख रहा है, उसके बावजूद तुम अपने आप को भोलेपन दिखा रहे हो। ये जहां भी छिपे होंगे चिंता मत करिए, ये पाताल में भी छिपे होंगे तो ये पुलिस इनको पाताल से छीन लाएगी। और कानूनी मोहन चौबे जी, आप अभी 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 जब आरोप सिद्ध नहीं हुआ है तो आप आरोपी कैसे मान सकते हैं? पहली बात तो ये आरोप अभी एफआईआर दर्ज हुआ है, व्यवस्था के तहत तो यही चीज होती है, अभी कानूनी प्रक्रिया के तहत एफआईआर दर्ज हुई। ये बताइए वो क्या पुलिस वाले लोग जो है लेके पहुंच गए उनके छत पर देसी कट्टा बम, पेट्रोल बम, हथियार, पत्थर, कितने मासूम हैं? उनका वर्डिक्ट सुनिए, उन्होंने कहा कि 24 तारीख की ये पूरी घटना है, 25 को वहां से पत्थर और बम फेंके जा रहे थे, 24 तारीख को पुलिस ने उनको वहां से निकाला, और जब उन्होंने बहुत सारे लोगों को फोन किया पुलिस वालों को, तो जो वीडियो अभी हमने बाइट के तौर पे आपको दिखाई कि उसमें वो कह रहे हैं कि पुलिस नहीं आ रही है, मैं कई बार पुलिस को फोन कर चुका हूं, वो 24 तारीख की चीजें हैं, 25 तारीख को वहां से ईंटे पत्थर फेंके जा रहे थे, ये भी तो हो सकता है कि वो वहां से चले गए उसके बाद वहां पर लोग पहुंच गए हों, होने को कुछ भी हो सकता है, ये सारी जांच की चीजें हैं, लेकिन आप नतीजे पर कैसे पहुंच जाते हैं? और से सुनिएगा आप हिमांशु जी, पहुंच जाते हैं नाना हिमांशु जी, क्या आपको लगता है कि ये इतना सब त्वरित हुआ? आप रुक जाइए, आपने बोला मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप अपना पक्ष रखिए, मैं उनको सामने रख रहा हूँ, मैं कोई नतीजे पर नहीं पहुंच रहा हूँ। नहीं हिमांशु जी, नहीं हिमांशु जी सुनिए, आप लोग नतीजे पर पहुंच जाते हैं पहली बात। नहीं आपको क्या लगता है ये सब त्वरित हो गया, अचानक भीड़ आ गई? ये तो पुलिस बताएगी ना? नहीं बिल्कुल, पैटर्न बिल्कुल दिख रहा है, साफ पता चल रहा है कि उस दिन इन लोगों ने दिन तय किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति आ रहे हैं, उस दिन किस तरह भारत की छवि को बिगाड़ना है, ये षड्यंत्र के तहत इन लोगों ने किया है। सुनिए और रुकिए, आज जो केजरीवाल जी के आका हैं, केजरीवाल जी ने चुनाव जीतने के लिए शाहीनबाग को खड़ा करवाया, सोमवार को ट्रंप को आना था, संडे को कपिल मिश्रा क्या कह रहे थे इस बात पे कोई बात नहीं करता। नहीं अच्छा ये बताइए, आप लोग ये हमें समझ में ये नहीं आ रहा है, ये बताइए आप सीए के समर्थन में 70 दिनों से राजधानी को कैद किए हो,
सुन लीजिए पहले रुक जाइए, वो आपकी नहीं 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 हिमांशु जी ऐसे नहीं चलेगा, शब्द तो ऐसे नहीं चलेगा हिमांशु जी, आप कहो तो अभिव्यक्ति की आजादी है, आप उसके विरोध में सीए के विरोध में बोलो और प्रदर्शन करो, रोड जाम करो, तो अभिव्यक्ति है, लोकतंत्र बहाली है। और यदि अगर कोई सीए के पक्ष में आके सड़क पर बोले और आए तो वो विरोधी है, वो राष्ट्रद्रोही है, उसने दंगा भड़का दिया। अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, इतना भड़किए मत, मैं जो कह रहा हूं उसको ठंडे दिमाग से सोचिए और समझिए कि कपिल मिश्रा क्या भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कहा है या फिर कोर्ट की तरफ से वो नियुक्त हुए हैं कि वो रोड खाली करवाने के लिए जाएंगे? नहीं ना, लोकतंत्र नहीं, में नहीं है ना, शाहीन बात करने का अधिकार है, विरोध करने का अधिकार है, तो पक्ष में बोलने का मेरा भी अधिकार है। वो विधायक है या फिर सांसद है, नागरिक के नाते विधायक है या सांसद है, वो पुलिस की तरफ से थे, वो किसकी तरफ से थे? देखिए पक्ष में बोलना और भीड़ तंत्र जो जाम कर रखी है वो भी आपको भी एक नागरिक के बोलने का अधिकार है। लॉ एंड ऑर्डर का काम था ना, वो पुलिस देखेगी कि कपिल मिश्रा देखेंगे जाके, वो तो क्या उन्होंने किया क्या? नहीं तो वो क्या कहा कि अगर नहीं होगा तो हम भी अब हाँ, आप देखिएगा, हम देख लेंगे, क्या देख लेंगे? नहीं नहीं, नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बताइए, लेकिन लोगों ने मानव अधिकार, लोगों ने ये बुद्धिजीवियों ने कभी शेरजिल के बारे में नहीं कहा जिसने कहा कि मवाद बिछा दो रेल के पास, आपने गिरफ्तार किया ना, आपने गिरफ्तार किया ना जी, गिरफ्तार आफरीन फातिमा कहाँ है, आफरीन फातिमा कहाँ है? उन्होंने तो एक आतंकवादी को फांसी पर चढ़ा देना, नहीं 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 नहीं, ये आफरीन फातिमा, आफरीन फातिमा को आज तक नहीं पकड़ पाया, भी छिपे होंगे ना, अरे सर भी छिपे होंगे, निकाल कर लाएंगे इनको। सुधीर जी ठीक है, ठीक है, ये क्या है, भारतीय जनता पार्टी हमको इंतजार रहेगा, जो भी इस तरह का जी आ रहा हूं आपके पास तब बोलेगा, बीच में मत बोलिए, सुनाई नहीं दे रही है दूसरे की आवाज। मैं कह रहा हूं कि जो भी इस तरह के बोल बोलते हैं या फिर जो भी बयान बहादुर बनने की कोशिश करते हैं उनको पकड़िए आप, लेकिन सिर्फ कहिए मत, कहिए लेकिन उसको करिए भी। सुधीर जी, पुलिस पर बड़ा सवाल उठते रहते हैं, अब दिल्ली पुलिस पर सवाल उठ गए हैं, अगर वो जामिया में जाती है तो दिक्कत, जेएनयू में नहीं जाती है तो भी दिक्कत, और दूसरी चीज यह है कि अगर पुलिस कार्रवाई इस बिना पे करेगी कोई हमसे सवाल पूछ देगा तो यह भी एक सवाल है कि पुलिस तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उसको जो भी चीजें करनी होगी वो करेगी। अगर कोई दंगाई सामने खड़ा है ईंटे पत्थर लेकर तो सीधी सी बात है आप उसको लाठी ही मारेंगे ना, कोई आपसे ये सवाल कर देगा कि आपने उसको मारा तो इसलिए आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ये कहां की बात है? तो ये पुलिस कह के नहीं बच सकती है ना, पुलिस को तो पीस लाना है, वहां पर शांति कायम करनी है, कैसे भी करनी है। सुधीर जी आपने बहुत सही कहा है, हम अपनी बात शुरू करने पहले अनुरोध करेंगे अपने दोनों साथियों से, कृपया पेशेंस रखें, जब एक जना बोला उसको सुन ले, नोट कर ले, जो कुछ कहना है उसके बाद आप मर्यादा बना रखिए, मर्यादा बना रखिए, प्लीज अनुरोध जी। चलिए सुधीर जी, हम आपको एक बताना चाहेंगे, पुलिस को कभी भी चुनाव नहीं लड़ना होता है, सही बात है, पुलिस को एक हम लोग मजाक में बात कहते हैं कि भाई आप पुलिस में अगर हमारे जानने वाला कोई पुलिस वाले के पास आप जाओगे तो क्या होगा, अगर डंडे चल रहे हो गए, हम कहते थे मजाक में कि हमारा नाम बता दो तुम्हें दो डंडे कम पड़ेगा, पुलिस डंडा मारेगी अगर आप अपराध करोगे, वो माथा देख के टीका नहीं करती है पुलिस, सही बात है। अगर दंगा हो रहा है, दंगा के क्षेत्र के ऊपर कोई भी व्यक्ति है, किसी भी उम्र का है, किसी भी जात का है, किसी भी धर्म का है, तो पिटेगा, सही बात है, पिटना चाहिए, लॉ भी यही कहता है, और उसके पुलिस रेगुलेशन पैरा 70 में स्पष्ट लिखा हुआ है, पुलिस कार्रवाई करने के पहले पूरे प्रिकॉशंस लेती है, आपको समझाती है, बुझाती है, जब ये देख लेती है कि कुछ नहीं है तो बल प्रयोग करने का सिद्धांत बना हुआ है कि पहले हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अगर हम उसको फॉलो नहीं करते हैं तो कोर्ट हमसे क्वेश्चन करती है, वही पुलिस रेगुलेशन हमारे जज साहब ने भी पढ़ा हुआ है, बोलते आपने सीधे लाठी चार्ज कर दिया, आपने आंसू गैस पहले क्यों नहीं छोड़ा, आपने गोली चलाने पहले रबर बुलेट क्यों नहीं चलाई, पहले हम नॉन लेथल वेपन्स को, जो पब्लिक है, हम ये मान के चलते हैं कि पब्लिक के पीछे मास्टर ब्रेन सामने नहीं आ रहा है, वो रिमोट पे काम कर रहे हैं, उनको समझाया जाता है, बुझाया जाता है, उसके बाद जब वो उग्र हो जाते हैं, राजकीय संपत्ति पे नुकसान करने की कोशिश करते हैं, सामाजिक संपत्ति को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तो अंत में आके पुलिस को फायरिंग करनी पड़ती है, इसमें कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता है। अब आगजनी कर रहे हो
बोले हमने नहीं, इसने आग लगाई थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज यानी कि स्थान पर आप क्यों गए, आपको गोली लगेगी तो। और दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस प्रजातांत्रिक देश में हमारी राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उन मरने वालों को शहीद का दर्जा देती हैं जो आगजनी कर रहे हैं, जो टायर की दुकान में आग लगा रहे हैं, किसी की गोली से मरे। हम कहते हैं पब्लिक ने आपस में गोली चलाई, मरे ना वो, उनके तत्व तो बुरे थे, क्यों आगजनी की, क्यों गोली लेकर के पहुंचे, क्यों असला लेकर के पहुंचे, उनको शहीद का दर्जा देना इस प्रजातंत्र का माहौल मखौल उड़ा रहा है। तो सुधीर जी, आपको लग रहा है दिल्ली की जो हिंसा हुई है उसके पीछे पुलिस कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर रही, या फिर राजनीतिक तौर पर पुलिस को थोड़ा कमजोर रखा गया? क्योंकि हिंसा अगर हो रही थी तो एक दिन होती, यहां पर भी हिंसा हुई, लखनऊ के अंदर भी हिंसा हुई, एक दिन हुई, ऐसा नहीं था कि तीन दिन तक लगातार हो रही थी। लेकिन दिल्ली के अंदर हमने देखा कि एक दिन हुई एक जगह पर, दूसरी जगह पर, तीसरी जगह पर, एक राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं और अपने देश के अंदर लगातार तीन दिनों तक हिंसा का दौर चल रहा है। पिछले कई 24 घंटे या फिर 36 घंटे से मामला शांत है, क्यों? क्योंकि कहा गया कि देखते ही गोली मार दो। ये गोली मारने का आदेश एक दो दिन पहले भी दिया जा सकता था, शायद जितने लोग 38 लोग मरे हैं उसमें से कुछ संख्या कम होती। बिल्कुल सही कहा आपने, हम इसको अपना पुलिस का, अपनी पुलिस का कहते हैं, क्योंकि पुलिस हमारी सब पुलिस, सारी पुलिस हम अपनी पुलिस मानते हैं। जी जी। ये एक इंटेलिजेंस हमारा इनपुट जो होता है वहां पे कहीं ना कहीं हम फेलियर हुए। कोई पुलिसिंग जो है, पुलिस के पास कोई भविष्यवाणी नहीं होती, हमें भविष्यवक्ता कह लीजिए, एस्ट्रोलॉजर कह लीजिए, हमारा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है, वो सूचना संकलित करके रिपोर्ट देता है। उस रिपोर्ट में कहीं चूक हुई जिसकी वजह से स्थिति को जो हमारे कमिश्नर साहब को आंकना चाहिए था वो उस तरह उस रूप में नहीं आंक पाए। वरना जहां हजारों की भीड़ खड़ी हुई है, हमको ये नहीं पता लगा ये असला लेकर के आ रही है, पेट्रोल बम लेकर के आ रही है, और एक तरह से राइट दंगा भड़क गया ट्रंप के आने, और हमारे जो आरएफ के जवान वहां खड़े थे वो नॉन लेथल वेपन्स लेकर के खड़े थे। अब आप एक पिक्चर भी देखे, टीवी दिखा रहे हैं, वायरल हो रही है सब जगह, सारे चैनल पे चल रही है कि पुलिस के हवलदार के ऊपर एक आदमी खाकी वर्दी पहन लेती है, रंग उसका खाकी होता है, अगर आप मुस्लिम है तो काला कफन होता है, हिंदू है तो सफेद कफन मान के चलती है, पुलिस तो सर पे तो कफन मना ही है। अगर वो व्यक्ति उस हवलदार को आप पता लगा लीजिएगा, दिल्ली पुलिस आरोप ऐसा जवान था कि अगर एक लपड़ उसे मार देता उस लड़के के, जो बिल्कुल पीछा कल्चर लगे से लोग कहते मजाक में कि वो उठ नहीं पाता, लेकिन उसके पीछे हाथ उसका था, पिस्तौल उसके हाथ में थी लेकिन रिमोट किसी दूसरे के हाथ में था। यही वक्त है, आज भी हम फिर आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहेंगे कि जो हमारे नौजवान रिमोट पे काम कर रहे हैं छोड़ दें, कोई किसी का साथ नहीं देगा, सिर्फ आपके कर्म आपके साथ जाएंगे। बिल्कुल सही। चंद्रमोहन चौबे जी, इंटेलिजेंस फेलियर है लेकिन पार्टी मानने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं मानने को तैयार है? क्योंकि उनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है, और अगर ऐसी चीजें हो गई हैं, लोग कह रहे हैं कि आपका इंटेलिजेंस कहां है। हमारे सुधीर जी यहां पे जुड़े हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी रहे हैं, सब कुछ जानते हैं कि किस तरह से क्या काम होता है, वो भी इस बात को कह रहे हैं कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर रहा आपका, लेकिन आप तो मानने को तैयार ही नहीं है। और जब तक कमी को मानेंगे नहीं उसको सही कैसे कर पाएंगे, बताइए जरा। नहीं हिमांशु जी, जी आपकी बात हम मानते हैं, लेकिन हिमांशु जी ये बताइए, आप हमारे सामने संविधान की किताब लेके आ रहे हो, आप हमारे सामने हिंदुस्तान जिंदाबाद पुलिस के सामने बोल रहे हो, तिरंगा हाथ में लिए बोल रहे हो, अब हमें क्या पता कि जो है, हम तो आपको अपना अपना, हम तो आपको देश का गद्दार नहीं मानते हैं, हम तो आपको आतंकवादी नहीं मानते हैं, हम तो आपको लोकतांत्रिक अधिकार एक देश में मिला है किसी को भी अपनी बात रखने का, बोलने का, या सभा करने का, या धरना करने का, लेकिन हमें क्या उस ये कि इन लोग इस तरह करेंगे, देश का जिंदाबाद बोल रहे हैं, उसी कान संविधान का किताब में लिए और एक हाथ में किताब लिए हैं और एक हाथ में छुरा और बम और जैसे कट्टा लिए हैं। अच्छा, ये तो ये तो दोष उनका है, अमानतुल्ला जैसे लोगों का, ये तो दोष है ममता बनर्जी का, ये तो दोष उनका है जिन्होंने इनको उकसाया कि मारो गोली। मेरी बात सुनिए, जब हिंसा शुरू हुई, एक मिनट, अरे सर एक मिनट, मैं कह रहा हूँ सबके पास एक एक करके आता हूँ, ज्यादा गेस्ट नहीं है, सबके पास आऊंगा, सबको टाइम मिलेगा, बीच में मत बोलिए प्लीज। चौबे जी, आप कह रहे हैं कि संविधान लेके सामने आ रहे हैं, आप शाहीनबाग का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जिक्र मैं इन तीन दिनों का कर रहा हूं जब हिंसा शुरू हुई। पहले दिन जब हिंसा शुरू हुई तब क्या लोग
हाथ में संविधान लेकर आए थे या फिर उनके हाथ में पत्थर थे, और जब आपको पत्थर दिख गए थे तो उसके बाद आपने कड़ी और सख्त कार्रवाई करना क्यों नहीं शुरू किया? नहीं, क्या हुआ नहीं, अगर न हुआ होता तो आप समझ लीजिए जितना इन लोगों ने पूरे दिल्ली को जलाने की साजिश की थी। तीसरे दिन ये ऑर्डर दिए जाते हैं, कानून पुलिस और प्रशासन ना अगर चेता अगर ना सामने आया होता, कार्रवाई ना की होती तो ये पूरे दिल्ली को जलाने के लिए इन लोग निकले थे। अरे सर, जो जला है वो कम नहीं है, जो जला है वो कम नहीं है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई किया तभी ये हाथ में आ गया। त्वरित कार्रवाई थी तो क्या बात करी आपने, हमने वो तस्वीरें सामने वो बंदूक लेके खड़ा है और वो जो पुलिस वाला वहां पे खड़ा है वो हाथ में डंडा लिए खड़ा है। ये तस्वीर अगर आपने देखी थी तो उसके बाद तुरंत शूट एट साइट का ऑर्डर क्यों नहीं दिया गया? कहाँ कमी थी आपके? हिमांशु जी, आपके हाथ क्यों बंधे थे? आपने बहुत अच्छी बात कही। अभी देखिए, वो शाहरुख जो बंदूक हाथ में लिए था तो उसके ऊपर ये जो बुद्धिजीवी और जो विपक्षी वाले कुछ नहीं बोले थे, लेकिन जब एक गोपाल शर्मा आया था तो जानते क्या कहा था? गीता में यही पढ़ाया जाता है, रामायण में यही पढ़ाया जाता है, भगवान यही बताता है। जो ऐसे कुतर्क जो देने वाले लोग थे, ये उन्हीं लोगों ने शाहरुख को ये करने करवाया। आपकी पुलिस कुतर्क पे चलती है क्या? आपकी पुलिस कुतर्क पे चलती है? नहीं, कुछ भी बोलेगा उससे फर्क पड़ता है पुलिस को? पुलिस ने कार्रवाई किया, उसको जिम्मेदारी गिरफ्तार किया। अब क्या गोली तुरंत मार दे उसको? तुरंत गोली मार दे तो कम मारेंगे? अधिकारी है सामने, तो पूछिए, मारेंगे? नहीं नहीं, अधिकारी सामने है, करेंगे। वो प्रयास करता है कि पहले तू अपना रखो भाई, बंदूक सामने रखो, तुम आत्मसमर्पण करो, तुरंत नहीं। पुलिस के सामने कोई गोली चला रहा है, सुनिए आप क्या करेंगे? हिमांशु जी, अभी आप ही कहना शुरू कर देते कि मानवाधिकार का हनन हो रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है, पुलिस आतंकवादी हो गई है, पुलिस जो है अव्यवस्थित हो बोलते, गई है। ये आप बोलते, मैं नहीं बोलता। अगर लॉ एंड ऑर्डर को कोई भी अगर मेरी बात सुन लीजिए, मीडिया पे सवाल उठाने से पहले इस बात को सुन लीजिए कि अगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस जो भी कदम उठाएगी उसके साथ मीडिया खड़ा है। क्या मीडिया ने हम आपकी बात नहीं कर रहे, लेकिन क्या कुछ मीडिया के वर्ग ने पुलिस को आतंकवादी नहीं कहा था? पुलिस मीडिया के हिसाब से काम करेगी क्या? बिल्कुल नहीं। पुलिस मीडिया के कहने पर चलेगी क्या? ना गिरफ्तार किया, शांति व्यवस्था स्थापित की। अरे आप चलिए ठीक है, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और जो है फौरन हाजिर होते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।